हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट हेल्पर। फ्रेंड्स, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सभी बच्चों को अपने घर में रहकर स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बोला है और टीचर्स भी उनकी बहुत सी हेल्प कर रहे हैं, जो कि बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इसी के बीच में फ्रेंड्स, लास्ट ईयर आप लोगों की, आप सभी बच्चों की उमंग की क्लास लगती रही सभी सरकारी विद्यालयों में, तो गवर्नमेंट ने जीवन कौशल शिक्षा देने के लिए, जिसमें आपको लॉकडाउन में आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ क्लिप्स आपके लिए दी जा रही हैं आगे, आप इन सभी को देखेंगे और उनसे समझेंगे जीवन कौशल शिक्षा। तो चलिए देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 24/4/2020 को विद्यार्थियों के पठन पाठन के साथ साथ जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट का यह लेटर आप देख पा रहे होंगे अभी, जिसके तहत व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कुछ लिंक प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा आप 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं को यह वीडियो देखना है और जीवन कौशल शिक्षा की क्लासेस भी अटेंड करनी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। किशोर अवस्था शारीरिक व मानसिक वृद्धि की अवस्था होती है, अतः इस उम्र में पौष्टिक आहार लेना बहुत आवश्यक है। किंतु किशोरों व विशेषकर किशोरियों में अक्सर एनीमिया अर्थात खून की कमी देखने में आती है। भारत में 15 से 24 आयु वर्ग की 56% महिलाएं व 25% पुरुष एनीमिया से ग्रसित हैं। आज हम बात करेंगे एनीमिया के कारण, लक्षण व इससे बचाव के तरीकों पर। तो चलिए देखते हैं माधव मुस्कान के साथ तिरंगे आहार की बात। दो स्कूलों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है और लोग चिल्लाकर माधव का हौसला बढ़ा रहे हैं। माधव, माधव, कबड्डी, 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 कबड्डी। माँ देखो, मैं प्रतियोगिता में जीत गया। ये तो मुझे पहले से ही पता था, तू मेरा होनहार बेटा जो ठहरा। मेरा भैया जीत गया, ये सब छोड़, ये बता तेरी खो खो प्रतियोगिता कब है? वो तो अगले महीने है भैया। खो खो प्रतियोगिता? हाँ माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। मुस्कान, मैं कह देती हूँ तुमको किसी भी प्रतियोगिता में भाग भाग नहीं लेना। पर माँ। पर माँ, इसमें गलत क्या है? सुनाई नहीं देता? मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। भैया अब क्या होगा? अब क्या होगा, देखा नहीं माँ का गुस्सा? चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज हम बाजार चलेंगे और तुम दोनों की मनपसंद चीजें खाएंगे। ठीक है माँ, हम बस यूं तैयार हुए। तुम दोनों को बाजार में जो भी मनपसंद खाना है खा लो। पर माँ, हमने तो बाजार की तली भुनी चीजें खानी छोड़ दी है। क्या कहा, तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ माँ, हम सही भी हैं और अब समझदार भी। हमने गांव में साथिया रंगमंच में खिलाए गए भ्रांति और क्रांति खेल से समझा है कि हमेशा पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। ये साथिया क्या है? माँ, गांव की समिति द्वारा एक किशोर किशोरी को चुना जाता है, जिन्हें साथिया मीटिंग को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनसे हम स्वास्थ्य संबंधित चर्चाएं करते हैं। इसलिए अब हम केवल संतुलित तिरंगा आहार ही खाएंगे और अपनी सेहत बनाएंगे। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े समझदार निकले। आशा दीदी, आप यहाँ? सही कहा तुमने, तिरंगा आहार यानी नारंगी व पीले फल, सब्जियाँ व दाल, सफेद दूध, दही, पनीर व चावल और हरी पत्तेदार सब्जियों से ही पौष्टिक आहार बनता है। अच्छा, अब समझी तुम्हारे तिरंगे की कहानी, नारंगी, सफेद और हरा, हमारे तिरंगे झंडे के रंग। देखा हमारे भ्रांति और क्रांति खेल का कमाल। पर माँ, फिर भी हमें खेलने ही नहीं देती। अरे वहाँ क्या हुआ, इतनी भीड़? चलो देखते हैं। अरे ये तो अपने धर्मेश चाचा। हटो हटो, देखने दो धर्मेश भैया की बेटी को क्या हुआ। आशा दीदी, आप देखिए ना मेरी बिटिया को क्या हो गया। अरे इसकी तो आंखों की लालिमा कम हो गई है, शायद इसमें खून की कमी है जिसके कारण चक्कर खा के गिर पड़ी होगी। खून की कमी, ये क्या बला है दीदी? चक्कर आना, ध्यान लगने में कठिनाई होना, थकान होना और नाखून, जीभ और आँखों में लालिमा कम होना खून की कमी के लक्षण हैं। हाँ, और ये पौष्टिक आहार न लेने की वजह से होता है।
धर्मेश भैया, तुम अपनी बेटी को बस पौष्टिक आहार खिलाओ और ये लो आयरन की गोली, ये भी देते रहना। दीदी, अब तो मैं इसे ये सब जरूर दूंगा, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। क्या महेश अस्पताल में? क्या हुआ, क्या हुआ उसे? आखिर कौन है ये महेश? क्या हुआ होगा महेश को? आखिरकार क्यों पहुंचा महेश अस्पताल? इसके आगे की रोचक कहानी जानने के लिए अगला अंक जरूर देखिए। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कहानी में माँ ने मुस्कान को खो खो प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना किया? क्या परिवार एवं समुदाय में किशोरों और किशोरियों के बीच भेदभाव किया जाता है? आपने अपने घर के आसपास किस तरह के भेदभाव देखे? आपके अनुसार माधव और मुस्कान बाजार की तली भुनी चीजें खाने से क्यों मना कर देते हैं? आप आहार और पोषक आहार से क्या समझते हैं? आपके अनुसार संतुलित तिरंगा आहार किसे कहते हैं? धर्मेश चाचा की बेटी बेहोश क्यों हो गई थी? अब हम खून की कमी के बारे में आपकी क्या समझ है पर चर्चा करेंगे। याद रखने वाले मुख्य संदेश। लैंगिक भेदभाव। किशोर किशोरियां अगर ठान ले तो समाज में लैंगिक भेदभाव को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, खेलना, पढ़ लिख कर नौकरी करना या व्यवसाय चलाना, ये दोनों का ही बराबर हक है। कुपोषण का एक बड़ा कारण लैंगिक भेदभाव को भी माना जाता है, जिसका प्रभाव खाने की आदतों से देखा जा सकता है। साथ या मीटिंग में चर्चा करके दोहरा सकते हैं कि उनके घरों की महिलाओं और किशोरियों को किशोरों के बराबर ही भोजन करना चाहिए। पोषण। पौष्टिक आहार यानी तिरंगा भोजन उसे कहा जाता है जिसमें नारंगी, पीले फल, सब्जियां, सफेद दूध, दही, पनीर व चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि शामिल हों। इसे जब सही मात्रा में लिया जाए तो वह पौष्टिक एवं संतुलित आहार माना जाता है। किशोर किशोरियों को प्रतिदिन निम्न आहार का सेवन करना चाहिए। कम से कम 2-3 कटोरी भात या उसी अनुपात में आटे की रोटी और कम से कम 1 कटोरी गाढ़ी दाल खानी चाहिए। साथ ही कटोरी का माप 1 पाव होना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 1 बार मछली, मीट, कलेजी, 1 अंडा और 1 गिलास दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। 1 कटोरी पका हुआ गहरा हरे रंग का साग व 1 गहरी पीली या नारंगी दाल या सब्जी खानी चाहिए। किशोर किशोरियों को खाने में चटर पटर जैसे कि चिप्स, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पे इत्यादि चीजों का सेवन कम करना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रह सकें। एनीमिया के लक्षण। थकान महसूस होना, चक्कर आना, पढ़ाई में ध्यान न लगना यानी ध्यान लगाना कठिन होना, नाखून, जीभ, आंखों में लालिमा का कम होना, बार बार बीमार पड़ना। एनीमिया के संभावित कारण। खाने में आयरन युक्त आहार की कमी होना, खान पान में लैंगिक भेदभाव होना, संतुलित आहार के बारे में जानकारी की कमी होना। एनीमिया से बचने के तरीके। आयरन युक्त आहार लेना जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, खजूर, फल आदि। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना। आहार में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि विटामिन B12, आयरन फॉलिक एसिड को शामिल करना। हमने पोषक आहार और एनीमिया के विषय में जानकारी प्राप्त की। इन जानकारियों का उपयोग आप अपने जीवन में किस प्रकार करेंगे, इसे बताने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, आपको स्वयं में या परिवार के किसी भी सदस्य में एनीमिया के लक्षण दिखाई दें तो आप क्या करेंगे? दूसरा,
आपको एनीमिया ना हो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे?